मखना एक हेल्दी फूड है जो भारत के कई हिस्सों में खाया जाता है। मखना के सिवा इसका कॉमन नाम है प्रिकली वाटर लिली और इसका बॉटनिकल नाम है यूरेल फेरोक्स। मखना के सीड्स आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज होते हैं। मखना का प्लांट बिहार में 90% ग्रो किया जाता है और इसके सिवा कोरिया, जापान और रशिया के ईस्टर्न पार्ट में भी ग्रो किया जाता है, पर बिहार में सबसे ज्यादा मखना का प्लांट होते हैं। ये प्लांट जनरली पानी में ग्रो होता है और इसीलिए ये पॉन्ड्स और वेटलैंड्स में दिखाई देते हैं। आपने कभी बनाना लीफ देखा है? कितना लॉन्ग और स्मूथ सरफेस होता है उसका। उसी तरह मखना प्लांट के लीव्स लार्ज और शेप में राउंड होते हैं। लीव्स की साइज 3 फीट से ज्यादा होती है, लेकिन ये बनाना लीफ जैसे स्मूथ नहीं होते हैं। लीव्स का सरफेस शार्प कांटे वाला होता है और इस लीव्स पे ब्राइट पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। मखना बहुत छोटे होते हैं, पर इन्हें बनाने की प्रोसेस थोड़ी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से लोग मखना बनता कैसा है उसकी प्रोसेस जानते नहीं है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में मखना कैसे बनता है उसके प्रोसेस शेयर करूंगी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ इज प्रोसेसिंग ऑफ मखना डन? मखना बनाने के लिए इस प्लांट के फ्रूट्स में से सीड निकाल के धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसमें 25% सॉफ्टनेस बची रहती है। सारे मखना इकट्ठा होने के बाद उन्हें सॉफ्ट रखने के लिए उस पे पानी स्प्रिंकल किया जाता है। सीड सूखने के बाद सूखे सीड्स को लकड़ी के हैमर से पीटा जाता है ताकि उसका हार्ड कवर निकल जाए। यहाँ पे प्रोसेस एंड नहीं होती है। उसके बाद सीड्स को अलग अलग साइज के होल्स वाली छन्नियों में डाला जाता है, जिससे सीड्स को भुनने में आसानी होती है। बड़े साइज के सीड्स अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं और मखने की खास बात ये है कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होता है। सीड्स को साइज के हिसाब से अलग अलग करने के बाद बड़ी लोखंड की कढ़ाई में गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा होने के लिए 72 आवर्स तक टोकरियों में रखते हैं। अब तक मखना तो बना ही नहीं है। सीड्स में से लही वाले मखना बनाना मुश्किल काम है। इन सीड्स का व्हाइट कवर निकालने के लिए फिर से उन्हें कढ़ाई में गर्म किया जाता है। फिर 5 से 7 सीड्स को उठा के एक जगह पर रख के फिर से हैमर से पीटा जाता है, जिस गरम सीड्स का कवर तेजी से निकलता है और फिर उसका मखना बनता है। यहाँ पे मखना बनाने की प्रोसेस पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने डिफिकल्ट और लॉन्ग प्रोसेस करने के बाद इतने सारे सीड्स में से सिर्फ 1/3 मखना बन पाते हैं, तो फिर बाकी के कहाँ जाते हैं? तो इतनी हार्ड हिटिंग प्रोसेस में बहुत से मखने टूट जाते हैं, यानी वो खाने लायक नहीं रहते हैं। मखना में 12% प्रोटीन्स होता है, लेकिन ये सारी प्रोसेस के बाद मखना पॉलिश भी किए जाते हैं, जिसमें इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी कम हो जाता है। जैसे राइस की पॉलिशिंग करते हैं, वैसे ही प्रोसेस से मखने की भी पॉलिशिंग होती है। फिर मखने साइज के हिसाब से जूट बैग में भरे जाते हैं और मखने वेट में काफी लाइट होते हैं, जैसे पॉपकॉर्न काफी लाइट वेट होता है। इसीलिए एक बैग में 7 से 8 किलो मखने आराम से रह जाते हैं और उसके बाद उन्हें दुकान में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। तो ये थी मखना बनाने की प्रोसेस। मक्खन लाइट वेट, बिना पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं और इसीलिए ये काफी न्यूट्रिटिव होते हैं और ये उपवास में ज्यादातर खाए जाते हैं। अगर आपने मखना कभी देखा ना हो तो यम का पैकेट आता है फॉक्स नट वाला, उसमें वो फॉक्स नट यानी मखने ही होते हैं। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।